मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर IUI कराते हैं तो किन कारणों से सक्सेस आता है वो आधारित होता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स। आपकी उम्र क्या है, आपकी फैक्टर्स क्या है, यानी कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, PCOD है, आपके गर्भ ठीक है, आपके ट्यूब्स ओपन है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स कैसे हैं, ये सब देखा जाता है और फिर सक्सेस रेट सोचा जाता है कि इस एज के लिए क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी निकला है कि फैक्टर से ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि ये प्रश्न पेशेंट्स में और डॉक्टर्स में सब में रिसर्चर्स में ये रहा है कि IUI के बाद बेड रेस्ट कराएं या नहीं। तो इसके लिए अगर फैक्ट्स को हम देखें तो हमें स्टडीज देखने चाहिए। स्टडीज ने यानी कि ये स्टडीज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में किए गए, हजारों लाखों पेशेंट्स को लेते हुए किए गए, ये सारे स्टडीज को जोड़कर एक निर्णय लिया गया है। तो आजकल ये माना गया है कि उन स्टडीज को फॉलो करना अच्छा रहेगा। तो इन स्टडीज में बेसिकली ये किया गया है कि दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बनाए। एक ग्रुप में इंसेमिनेशन किया गया, इंसेमिनेशन यानी पेशेंट्स के अंडों को बढ़ने के लिए टैबलेट्स और मेडिकेशंस दिए गए और जब सही वक्त आ गया और अंडा ट्यूब में वेट कर रहा था, उनके पार्टनर के स्पर्म्स को वॉश करके यानी कि प्रोसेस करके स्पर्म्स को घर में डाला गया। जब ऐसा किया गया उसके बाद तुरंत ही उन्हें घर भेज दिया गया, ये एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स था। दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में क्या किया, ये सब होने के बाद इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म्स को घर में डालने के बाद उन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को लिटाया गया, 15-20 मिनट के लिए लिटाया गया, उसके बाद उन्हें घर भेजा गया। आपको जान के हैरानी होगी कि जब रिजल्ट्स आए ये सारे मेटा एनालिसिस से, ये देखा गया कि जो पेशेंट लेट रहा है 15-20 मिनट के लिए, उसमें प्रेगनेंसी रेट और लाइव बर्थ रेट यानी कि बच्चे का पैदा होना वो रेट सेकंड ग्रुप में ज्यादा है जो लेट कर 15 मिनट के बाद वापस जा रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि आप 15-20 दिन तक लेटे रहें, आपको घर का काम अलाउड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। IUI के बाद 15-20 मिनट लेटना काफी रहेगा। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं क्या है इसका लॉजिक। जब इंसेमिनेट किया जाता है, स्पर्म जब घर में डाला जाता है, उसे 10-15 मिनट लगते हैं ट्यूब तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी हमने गर्भ में डाल दिया तो डिस्टेंस ही आधा हो गया है। गर्भ से ट्यूब तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जहां एग वेट कर रहा होता है। जब स्पर्म वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसे फर्टिलाइज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए स्टडीज ने कहा है कि उनको लिटाना अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये IUI की प्रक्रिया है, करने के बाद जो रेस्ट है IUI के पीछे का लॉजिक है। इसके बारे में अगर आप और समझना चाह रहे हैं, आप IUI करवाना चाह रहे हैं, आपके सक्सेस रेट के बारे में आपको डिस्कस करना है, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। नमस्कार, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।